मोस्टली 3 या 4 बार ही लिया होगी, ये 5वीं बार है। 410 LBS नहीं है, 410 KG है। What's good people? Welcome back to my channel. मैं सीधा जिम पर आ चुका हूँ। आज मेरा लेग डे है, उसके बाद मुझे घर पे जाके कुछ एडिट्स करने हैं और उसके बाद मेरे क्लास है, तो फुल डे बहुत ज्यादा ही पैक है। ट्राई करूंगा जितना हो सके उतना कवर करने को। अभी बर्थडे आई जाए। तो वैसे मैं कभी प्री वर्कआउट नहीं लेता हूँ, बट आज कुछ ज़्यादा ही इंटेंस वर्कआउट है, तो मैंने मोस्टली 3 या 4 बार ही लिया होगा प्री वर्कआउट और ये 5वीं बार है। मोस्टली मैं ट्राई करता हूँ कि मेरा रेंज ऑफ मोशन ना बिगड़े, जितना हो सके उतना मैं फुल मारूं और हर एक के बॉडी का। ये मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि जनवरी की भीड़ देखो, ये कभी इतना भीड़ नहीं होता। हाय 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 हाय, ये एक्सरसाइज मुझे भी करनी है। गजब, 390 पे 8 काउंट्स हो गए। ये है कुछ 410 LBS नहीं है, 410 KG है। 410 KG पे मैं ट्राई करूंगा कि मेरे 8 काउंट्स लगे, मिनिमम 8 तो मारने हैं। चलो मारने से मार लिए, अभी बाकी का बहुत सारा वर्कआउट बाकी है। 410 KG उसको उठा के डालने में मेरी वाट नहीं। वर्कआउट हो चुका है खत्म, बहुत सारी चीजें थी, जैसा सोचा था वैसा इंटेंस हुआ है और अभी मुझे घर जाना है, घर जाके बहुत सारा काम है, फिर मुझे जाना है क्लास पे। और उसके पहले मुझे देखना पड़ेगा कि मैं रिकवरी के क्या करूं, क्योंकि जैसा वर्कआउट हुआ है मैं श्योर हूं कि मुझे आज क्रैम्स आने ही वाले हैं। और ऐसे पहले बहुत बार आ चुके, जब भी क्लास में होता हूं, जब मैं टीच कर रहा होता हूं, तो वो टाइम पे क्रैम्प आ जाते हैं, तो वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है मेरे लिए। मोस्टली मैं सॉल्ट वाटर करने वाला हूँ, सॉल्ट वाटर करने से मेरे क्रैम्प्स ठीक हो जाते हैं, क्योंकि मेरे बॉडी में सोडियम की कमी हो जाती है। ट्राई करूंगा जितना हो सके उतना रिकवरी ले लूँ पहले, फिर मैं क्लास पे जाऊंगा। बस अभी ज्यादा घर पे जाके मैं कुछ शूट नहीं करने वाला,
घर पे जाके मील लेके सीधा हम लोग क्लास पे जाएंगे। वर्कआउट इंटेंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इसके बाद वाला जो टाइम होता है वहीं पे सबसे ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। जोश जोश में वर्कआउट तो जोरों से कर लेते हैं सब, बट उसके बाद जो पेन होता है वही डील करना होता है, और एक्चुअल में उसका मजा कुछ अलग ही होता है। जो फील करेगा उसी को पता होगा। तो यस, ऐसे जाऊंगा सीधा क्लास पे और वहां पे जितना हो सकता है उतना मैं कवर करने का ट्राई करूंगा। तो क्लास पे मिलते हैं। दो चीज आप लोग को पता है, फ्लोइंग मूवमेंट और एक ब्रेक वाला मूवमेंट, ठीक है? अरे यार, म्यूजिक प्ले हो रहा है तो तुम्हें डिसाइड करना है कि इसके ऊपर तुम क्या करोगे। चेंज हो रहा है तो तुम्हें बॉडी को चेंज करते रहना। मिड पार्ट से ब्रेक आना स्टार्ट हो ही जाता है। जब भी म्यूजिक आएगा तो ऑब्वियसली कोई भी म्यूजिक ऐसा तो होगा ही नहीं। तुम्हारा माइंडसेट बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है, तो ही तुम ग्रो करोगे। कभी कभी गलत भी हो सकती है, और हो तो अच्छी बात है, तुम ट्राई कर रहे हो वो ज्यादा मैटर कर रहा है, ठीक है? तो यस, क्लास हो गए खत्म, कुछ 5:30 to 10 तक का था। मैं स्माइल कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं थका नहीं हूँ। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफों नाल डील करना। कोई क्रैम्प नहीं है वो अच्छी बात है, क्योंकि रिकवरी अच्छी हुई है शायद इसलिए कोई क्रैम्प नहीं आया, बाकी मोस्टली क्रैम्प आ जाते हैं। तो जस्ट मैं घर पे पहुंचा हूं अभी, कुछ 11 बज गए। मॉर्निंग 5 बजे से मेरा रूटीन स्टार्ट हुआ था, अभी 11 बज गए। हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने लेग्स मारे थे उस हिसाब से अभी मैं खड़े होने की हालत में भी नहीं हूँ, बट वही तो गेम है। तो मिलते अगले ब्लॉग में। अगर आपको अच्छा लगा ये ब्लॉग तो इसको शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और ये वीडियो पे, ये चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। थैंक यू।